हमेशा से ही हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक रहा है। गंगा जमुनी संस्कृति का प्रतीक रहे इस शहर में रविवार शाम को संभागीय आयुक्त के निवास पर रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इसमें ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी और शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने शिरकत की। संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने कहा कि मुस्लिम भाइयों के लिए आयोजित रोजा इफ्तार पार्टी एक अनुपम पहल है। इस दौरान रोजा इफ्तार पार्टी में कई हिंदू संगठनों ने भी पहुंचकर मुसलमान भाइयों को शुभकामनाएं दी। रोजा इफ्तार पार्टी में बीकानेर संवाददाता के सिंह ने पहुंचकर जायजा लिया और दोनों मंत्रियों और अधिकारियों से बात की। बीकानेर में रोजा इफ्तारी का आयोजन बीकानेर के डीसी कार्यालय में हुआ है, खासतौर पर उनके निवास पर हुआ है। बात करेंगे इस तरह के करीब। देखिए, रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, आने वाले एक दो दिन बाद ईद का त्यौहार सभी मुस्लिम भाई मनाएंगे। रमजान के दौरान रोजा रखने वाले रोजेदारों को जो रोजा इफ्तार का कार्यक्रम संभागीय आयुक्त के नीरज जी भवन के निवास स्थान पर आज रखा गया है, ईश्वर से, परमात्मा से, मालिक से यही दुआ करते हैं कि हमारे प्रदेश को खुशहाली रहे। जो दो दिन बाद ईद का त्यौहार आने वाला है, उससे अक्षय तृतीया का, अखातीज का जो त्यौहार है, ये दोनों दिनों बड़े त्यौहार आएंगे। मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। हमारे साथ राजस्थान के शिक्षा मंत्री भी हैं, बात करेंगे। सर, रोजा इफ्तारी पार्टी का आज आयोजन पहली बार इस तरह का आयोजन। देखिए, रोजा इफ्तारी का कार्यक्रम हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर सभी लोग बराबर करते आए। इस सिलसिले में आज संभागीय आयुक्त महोदय के निवास स्थल पर रोजा इफ्तार का कार्यक्रम रखा गया। हमारे यहाँ गंगा जमुनी कल्चर है, हम त्यौहारों को मिलजुल कर मनाते हैं। होली दिवाली पे हमारे अकलियत के भाई हमको मुबारकबाद देने आते हैं, ईद के वक्त हम इनको मुबारकबाद देते हैं, और ये सिलसिला निरंतर जारी है, जारी रहना चाहिए। आज के कार्यक्रम के साथ निश्चित रूप से आप जानते हैं कि गंगा जमुनी कल्चर का प्रतीक। आज बीकानेर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बीकानेर के डीसी आवास में पहली बार ऐसा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें रोजा इफ्तारी है। नीरज के पवन जो कि बीकानेर के डीसी, बात करेंगे, सब बताएंगे। देखिए, बीकानेर स्थापना दिवस के कार्यक्रम चल रहे हैं। 535 साल इस नगर को हुए, अखाती जाने वाली है जब इसका बीकानेर स्थापना दिवस मनाया जाता है। उसी के साथ साथ रमजान भी चल रहा है, दो दिन बाद ईद आने वाली है। तो जो बीकानेर की तहजीब रही है कि जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब भी सारे त्यौहारों को एक होकर के सब मिल करके मनाते आए हैं, उसी परंपरा को एक और मोहर लगाते हुए माननीय मंत्री महोदय दोनों यहाँ के स्थानीय मंत्री हैं, दोनों पधारे हैं और सब ने मिल करके आज इस रोजेदारों के साथ रोजा इफ्तारी का कार्यक्रम किया है। सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आगामी ईद की, आखा तीज की, बीकानेर स्थापना दिवस की। आज का देख रहे वर्तमान कमिश्नर साहब की आवाज पर आयोजित किया गया है, और इससे पहले होली का भी समारोह यहाँ आयोजित किया गया था। तो मिला के बीकानेर तो वैसे भी गंगा जमुनी का प्रतीक, अगर आप देख रहे हैं किसी भी समाज के यहाँ पर गएंगे आप। बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है आज कमिश्नर महोदय ने, और ऐसे प्रोग्राम होता रहना चाहिए। किसी धर्म का कोई भी किसी समाज का प्रोग्राम हो, वो होता रहना चाहिए। पहली बार साहब होली का भी यहाँ प्रोग्राम कमिश्नर साहब ने किया, नीरज के पवन साहब ने, और ये पहली बार इतिहास में मेरे ख्याल से पहली बार है। बहुत ही हर्ष का विषय है कि बहुत अच्छा प्रोग्राम। देखिए, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी यहाँ पर पहुँचे, लेकिन इस इफ्तारी पार्टी की अगर बात करेंगे हम, सर बताएंगे। देखिए, ये हमारे जो रमजान का पवित्र माह आता है, इस अवसर के ऊपर ये एक तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है ये हमारा रमजान का महीना और इबादत का। निश्चित रूप से कि इस अवसर के ऊपर जब वर्तमान देश के परिप्रेक्ष्य की तरफ हम देखते हैं, तो आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द की वातावरण बनना चाहिए, बनना भी नहीं चाहिए, अभी तो ये हिंदुस्तान की संस्कृति है जो कायम रहनी चाहिए। जिसको कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा उसको राजनीतिकरण किया जा रहा है, उससे निश्चित रूप से हमारे देश की राष्ट्रीय एकता ग्रंथा को खतरा होगा। डीसी आवास पर बड़ा कार्यक्रम का आयोजन बीकानेर के ही कोलायत के विधायक भंवर सिंह भाटी, जो कि राजस्थान के ऊर्जा मंत्री है, वही हम बात करें शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला सहित तमाम लोग यहाँ पर, बीकानेर के जिला कलेक्टर सहित
सभी लोग मौजूद रहे और बड़ा आयोजन कहा जा सकता है बीकानेर में, एक नई शुरुआत भी की जा सकती है।